गाइस एंड वेलकम टू सोनीस वर्ल्ड। तो फ्रेंड आज हम बनाएंगे हाई पोनीटेल विद पफ जो कि बहुत ही अच्छी ज्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है जो कि मैंने बना रखी है। आई होप यू लाइक इट। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे ताकि हमारे बालों में किसी तरह के नॉट्स ना हो। और फिर हम जो हमारा आईब्रो का हाईएस्ट पार्ट है वहाँ से हम पार्टिंग करेंगे और बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे। बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे ताकि हमारे बालों में अटके ना हो, हमारे बाल में किसी तरह के नॉट्स ना हो। हम अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे। फिर हम उसको ट्विस्ट करेंगे पफ को थोड़ा सा और आगे की तरफ पुश कर देंगे। आपको जितना बड़ा पफ चाहिए आप उतना उसको आगे पुश कर सकते हैं। फिर उसको टिक टैक पिन से सिक्योर कर दें। फ्रेंड आप देख सकते हैं पफ हमारा बन चुका है। अब आप फिंगर से ही अपने बालों को कलेक्ट करें, अच्छे से फिंगर से ही बालों को आप सुलझा लें और फिर रबर बैंड से आप पोनी बना लें अपनी। तो हमारी पोनीटेल बन चुकी है विद पफ। अब इसको थोड़ा सा और हाई क्रिएट करने के लिए हमने बॉब पिन ली है और फिर हम पोनी को आगे की तरफ करते हुए अपने रबड़ की ओर से वर्टिकली यानी कि थोड़ा सा खड़ा करके हम अपने रबड़ के अंदर इंसर्ट कर देंगे ताकि जो हमारी पोनी है वो हाई बने। आप चाहें तो इसके नीचे क्लैचर भी लगा सकते हैं छोटा सा। पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे कि आपकी पोनीटेल हाई बनती है। आप जब भी आप पोनीटेल बनाएं तो आप हमेशा यहाँ से जो अपना आई जो आपका आईब्रो का हाई पार्ट होता है उससे आप जो है पफ बनाएं और उसको फिर ट्विस्ट करके थोड़ा सा आगे पुश कर दें और उसके बाद पिन से सिक्योर कर दें। फिर आप नीचे की साइड आप बनाएं अपना पोनीटेल। आप चाहे तो कॉम से कर सकते हैं, अपने हाथों से ही फैला के अपने हाथों से ही अच्छे से बालों को सेट करके रबड़ लगा सकते हैं। फिर आप वर्टिकली बॉब पिन लगाएं। उससे क्या होगा कि आपकी पोनीटेल और ऊंची बनेगी। अगर आप बॉब पिन नहीं लगाना चाहते तो आप कोई छोटा सा क्लैचर अपने रबड़ के नीचे लगाएं। उससे एक आपको ऊंचा इफेक्ट देगा, आपको हाई पोनीटेल क्रिएट जो है लुक देगा। सो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये थोड़ा सा मेरा ऑयल लगा हुआ है तो थोड़ा सा ये अभी पफ थोड़ा सा इतना सही नहीं बना। तो आप बिना ऑयल के ही बनाएगा। मैंने अभी ऑयल मेरा अपने मेरे बालों में अपने आप ही आ जाता है तो इसलिए थोड़ा सा बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, लूज भी हो रहा है। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं किसी नई होम रेमेडी या नए किसी DIY के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।